सबके साथ इस आंदोलन में यहां पर शामिल हुआ हूं। राज्य हमारा है, सरकार महाराष्ट्र में अपनी बनी है और हम सरकार में इसलिए शामिल हुए कि बीजेपी को महाराष्ट्र की हुकूमत से रोकने के लिए हम इस सरकार में शामिल हुए, वरना बीजेपी आकर फिर महाराष्ट्र में जो पिछले पांच साल में जो नुकसान हुआ है दोबारा वही नौबत महाराष्ट्र में आना नहीं चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया, तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कहा कि आप हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है और बीजेपी को अगर रोकना है तो कांग्रेस ने इस सरकार में शामिल होना चाहिए, कि तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कहा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज हुकूमत में महाराष्ट्र में है और जब तक हमारी यह हुकूमत है तब तक सीए का अमल महाराष्ट्र में हम नहीं होने देंगे। दोस्तों, ये कहने के लिए मैं आया हूं। अमर राजूरकर ने जो यहां पर बयान किया बिल्कुल सच है। नागपुर में असेंबली का सेशन जब शुरू हुआ, सबसे पहले मैंने हमारे वहां पर सभागृह में असेंबली में ये सवाल उठाया कि सीए की कानूनी तौर पर महाराष्ट्र में सीए लागू नहीं होना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इसमें बहस होनी चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने इस देश को दिया है, उस संविधान के खिलाफ कोई भी हुकूमत नहीं जा सकती है, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे वो महाराष्ट्र की हो। और इसीलिए जब कानून ऐसे बनाया जाता है कि किसी कौम को, किसी समाज को बाहर रखकर बाकी को अलग करने का प्रयास जो होता है वो गलत है। संविधान हमारा सबसे ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, अलग अलग समाज को बंटवारा नहीं कर सकते। हमारा देश एक सेक्युलर देश है और सेक्युलरिज्म की बुनियाद को पक्का बनाना हमारा फर्ज है, और इसीलिए कानून जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल चौकट में बैठने वाला हमारा संविधान के अंदर होना चाहिए।